गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ एक नई कहानी, अम्मा और हवेली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी, अम्मा और हवेली। एक वृद्ध महिला की कहानी है जिसकी उम्र कोई 70 के आसपास होगी। कौशल्या देवी यही कोई 65 और 70 के बीच में हो गई थी। वैसे भी कहते हैं ना कि बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। बुढ़ापे में अकेली रह गई थी कौशल्या देवी। पति को गुजरे हुए एक अरसा बीत चुका था। पति एक बहुत बड़े जमींदार थे। बहुत बड़ी हवेली बड़े शौक से बनवाई ताकि बच्चे ठाट बाट से रह सकें। 5-5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। कौशल्या देवी के लिए जेवरात की कोई कमी न थी। सभी बेटों और बेटियों का विवाह हो चुका था। बेटे नौकरी करने दूसरे शहर चले गए थे और बेटियां अपने घर की हो गई थी। हाँ, कभी कभार बेटियां मिलने ज़रूर आ जाती थी, वो भी लालच उन्हें खींच रहा था। अब कौशल्या देवी का शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। जमा पूंजी भी बच्चों के शादी ब्याह में ख़त्म हो गई थी और उनसे अब घर का चूल्हा चौका भी नहीं हो पाता था। आसपास के मोहल्ले के लोग उनकी आकर मदद कर देते थे। पड़ोस के चाचा रामशरण ने कई बार उनके बेटों को फ़ोन भी लगाया कि आकर अपनी माँ को ले जाओ। बेटे बहू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। फिर एक दिन चाचा रामशरण ने कौशल्या देवी को कुछ समझाया। फिर धीरे धीरे कौशल्या की हालत में सुधार होने लगा और वह फिर से तंदुरुस्त हो गई। उसने अपने गांव की भलाई के लिए बहुत कार्य किए। पाठशाला बनवाई, कुएं खुदवाए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया और हाँ, अब कभी कभार बेटे बहू भी मिलने आ जाया करते। पूरे इलाके में कौशल्या देवी को सब अम्मा कहकर संबोधित करते थे। इस तरह 8 बरस बीत गए और एक रात अचानक अम्मा को हार्ट अटैक आया। अम्मा चल बसी। गाँव की उस हवेली में आज सारा गाँव इकट्ठा था। अम्मा इस दुनिया से चली गई थी। अब रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार करना था तो उसी का इंतजार हो रहा था। पूरा गांव तो इकट्ठा था पर घर के सदस्यों का अभी तक अता पता नहीं था। सभी दूर दूर से आ रहे थे। लगभग 11 बजे तक सभी रिश्तेदार बेटे बहुएं बेटियां अपने अपने परिवार के साथ पहुंच गए पर कोई भी बाहर नहीं दिखाई दे रहा था। पता नहीं किस मुद्दे को लेकर अंदर बहस कर रहे थे। भरा पूरा परिवार था अम्मा का। अभी घंटे भर पहले तो मुद्दा ये था कि बेटी दामाद आ रहे इसलिए उनका इंतजार हो रहा, पर अब तो उनको आए भी 1 घंटा हो गया। अब क्या है, गांव वालों के बीच यही बातचीत का मुद्दा था। अब अंतिम संस्कार के में इतना समय क्यों लग रहा है? परिवार के सभी सदस्य अंदर अम्मा के कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? जब कुछ गांव के लोगों से नहीं रहा गया तो चाचा रामशरण के पास आए और बोले, अंतिम संस्कार में और कितना समय लगेगा, अब तो पूरा परिवार भी आ चुका है। चाचा जी को भी समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। आखिर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, आप लोग ठहरें, मैं जाकर पूछता हूँ। कहते हुए रामशरण अपनी लाठी टेकते हुए अंदर चले गए। देखा तो पोते पोती तो बाहर बरामदे में बैठे हुए थे और बेटे बहुएं बेटी दामाद नदारद थे। उन्होंने इशारे से पूछा, कहाँ है सब? तो बच्चों ने अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वे सब लोग अंदर हैं। चाचा कमरे की तरफ गए तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने दरवाजे की कुंडी को खड़काया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? अरे बेटा, तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो? गांव के लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्रियाक्रम में कितना वक्त लगेगा? बस चाचा जी अभी आते हैं। अरे पर हुआ क्या, वो तो बताओ कि क्या बात है? कुछ देर के लिए मौन पसर गया, फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा अम्मा के बड़े बेटे ने ही खोला था। उसको देखते ही चाचा जी ने कहा, बेटा जो भी बात है बाद में सुलझा लेना, पहले अंतिम संस्कार कर दो। यूँ मुर्दा घर में रखना अच्छा नहीं होता। ठीक है चाचा जी, चलिए पहले इसी काम को निपटाते हैं। पर रामशरण जी बुजुर्ग थे इसलिए समझ चुके थे कि आखिर मुद्दा क्या है, पर चुप रहे। आखिर 1 घंटे बाद जाकर अम्मा का क्रियाकर्म किया गया। क्रियाकर्म के दौरान लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि बेटे बहू और बेटी दामाद की आँखों में आंसू तक नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को देखकर गुस्सा कर रहे थे। कुछ तो हुआ था उस कमरे में, पर क्या, सब कयास ही लगाए जा रहे थे। खैर, दाह संस्कार के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए। अभी क्रियाकर्म को किए कुछ घंटे ही बीते थे कि हवेली में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर से गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। घर में बेटे बहुएं बेटी दामाद आपस में लड़ रहे थे। अंदर वो लोग लड़ने में मगन थे, बाहर पूरा गाँव उन पर थू थू कर रहा था। अरे अम्मा को गए अभी कुछ ही घंटे नहीं हुए, देखो कैसे लड़ रहे हैं ये लोग। अरे पिंड छूटा इन लोगों का तो अम्मा से, जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। कुछ लोगों ने झगड़ा शांत कराने की भी कोशिश की पर सब बेकार। आखिरकार चाचा जी को ही आना पड़ा। क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती? भाभी को गए अभी कुछ ही घंटे हुए और तुम लोग इस तरह लड़ रहे हो। चाचा जी, इन लोगों ने धोखा दिया हमें, बड़ी बहू अपनी देवरानी की तरफ इशारा करके बोली। भाभी, तुम भी तो आती जाती रहती थी इस घर में और अब की बार तो तुम बार बार आ रही थी, क्या पता तुमने ही चोरी की हो। अब की बार अम्मा का छोटा बेटा बोला। अरे तुम्हारी औरतें ही रहती थी अम्मा के पास तो, सेवा चाकरी के नाम पर।
क्या पता इन्हीं लोगों ने हथिया लिया हो। मछली बहू चाचा जी की तरफ इशारा करके बोली, भला कोई अपने भाई के बच्चों को देखकर खुश हुआ है आज तक? चुप कर, बहुत ज़्यादा बोल रही है तू। बड़ों का मान सम्मान नहीं है क्या तुझे, जो हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है? अब की बार चाचा जी के बोलने की बारी थी। क्या ढूंढ रहे हो तुम? जो ढूंढ रहे थे वह तो इस घर में कभी था ही नहीं। तुम्हारे पिता के मरने के बाद वह इस घर से जा चुका था। काका जी के मुँह से ये बात सुनकर सब लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। अरे सुबह से तुमने अम्मा का कमरा उथल फुथल कर दिया, नहीं मिले ना तुम्हारी अम्मा का सोने का जड़ा उहार? चाचा जी के मुँह से अम्मा के सोने के जड़ा उहार का नाम सुनते ही सबका मुँह खुला का खुला रह गया। आखिर चाचा जी को कैसे पता कि अम्मा का जड़ा उहार घर में नहीं है? आज के समय में लाखों रुपये की कीमत है ना उस हार की, अब जो है ही नहीं उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? कहते ही चाचा जी जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें इतनी ज़ोर से हंसते देखकर सब लोग हैरान रह गए। तो मझले बेटे ने कहा, चाचा जी आपको कैसे पता कि हम वो हार ढूंढ रहे हैं? कोई ऐसी बात है जो आप जानते हो, सच सच बताइए। अरे तुम जैसी निकम्मी औलाद हो तो माता पिता को थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। तुम लोग भाभी का ख्याल तो रखते थे नहीं, बस हर बार लूटा है तुमने अपने माता पिता को। पहले तो निकम्मों की तरह घर पर बैठ के खाते रहे, फिर दूसरे शहर जाकर कभी माँ की सुध नहीं ली, और बाद में अचानक कोई ना कोई बहाने से तुम अम्मा से पैसे ऐंठने लगे। याद है ना जब तुम दोनों भाई और ये दामाद मिलकर व्यापार करना चाहते थे, तब तुम्हारी अम्मा को ये हवेली गिरवी रखनी पड़ी थी। अम्मा को लगता था कि इसी बहाने तुम उससे मिलने आया करोगे, पर क्या हुआ, कितनी आसानी से मुकर गए थे तुम लोग कर्जा चुकाने के लिए। पर अम्मा ने मरने से पहले जिसके पास ये हवेली गिरवी रखी थी उसी के पास वो सोने का जड़ा उहार भी रख दिया, यह कहकर कि जब तक अम्मा जिंदा रहेगी तब तक वो इसी हवेली में रहेगी, उसके बाद यह हवेली हमेशा के लिए उसकी। और दूसरी बात, कौशल्या भाभी को किसी को भी बताने से इसलिए मना किया गया कि कम से कम जड़ा उहार के चक्कर में ही तुम लोग थोड़ी बहुत सेवा तो कर ही दोगे। अपने माता पिता को पैसों के टकसाल समझते थे ना तुम लोग। पूरी ज़िंदगी अम्मा यही उम्मीद करती रही कि काश एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चों को मेरी कद्र होगी, पर अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। अम्मा ने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, सभी एक साथ बोले, धोखेबाजों के साथ धोखा करना गलत नहीं होता। और तुम्हारे बाबा मरने से पहले अपनी पत्नी का स्वाभिमान जिंदा रख कर गए थे, वो हवेली को अम्मा के नाम कर गए थे, वरना वो बेचारी कब की सड़क पर आ जाती। अब कुछ दिनों में ही हवेली खाली करो ताकि इसका असली मालिक आकर उस पर अपना मालिकाना हक जमा सके। किसी से भी कुछ कहते नहीं बना, आखिर माँ बाप के साथ धोखा किया था तो उसका फल मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि माता पिता को पैसों की टकसाल समझकर उनका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए टॉपिक पर। टिल देन गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, प्रभु आपके चेहरे पर सदा मुस्कान बनाए रखें।